हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल जी फॉर यू। तो ये हमारा 5G इंटरव्यू क्रैकिंग चैलेंज का वीडियो नंबर 11 है। आज डे 11 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है 5G इंटरव्यू के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये 5G NR इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर। तो जैसे ही आप अपने डिवाइस को स्विच ऑन करते हो तो कौन से स्टेप्स हैं जो आपके डिवाइस में परफॉर्म होते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से इन स्टेप्स को देखना। तो ये एक डायग्राम है जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप 5G NR का इंटरव्यू देते हैं इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर के अंदर। तो UE और E-Node B के बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो मेनली शुरू में जो स्टेप्स होते हैं वो G-Node B की साइड से होते हैं। G-Node B इंफॉर्मेशन भेजता रहता है जितने भी UEs होते हैं, तो UE उसके बेसिस पे डिकोड करता है कि मेरा सिम कौन सा है, PLMN कौन सा है, PSS क्या है, SSS क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिकोड करके फिर वो आगे रैच प्रोसीजर इनिशिएट करता है। तो इसके अंदर 5G के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले PSS, SSS, PBCH, DMRS और PBCH। तो ये अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने SSB बना दिया है, SSB ब्लॉक इन्होंने बना दिया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक पूरा ब्लॉक इसके अंदर आता है G-Node B के साइड से। तो ये डाउनलिंक में आता है क्योंकि G-Node B UE को भेजता है। उसके बाद हमारी SIB आती है, SIB 1, अदर SIBs, और फिर हमारा रैच प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे ये तीन स्टेप्स शुरू में मैंडेटरी हैं, ये होते ही होते हैं, तभी हमारा डिवाइस सिंक हो पाता है नेटवर्क से। तो ये जो SSB है इसमें ये तीन चीज़ आती हैं, PSS, SSS और PBCH, DMRS। तो इसके बेसिस पे इसको पता चल जाता है कि क्या क्या जो G-Node भी है हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। उसके बाद SIB 1 और बहुत सारी और SIBs आती हैं, और फिर हमारा रैच प्रोसीजर ट्रिगर होता है। तो ये तीन स्टेप्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, SSB, सिस्टम इन्फॉर्मेशन और रैच प्रोसीजर। ये आपके इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर में होते हैं 5G के अंदर। तो ये SSB एक नया टर्म है, ये LTE में नहीं बोलते थे SSB, यहाँ पे इन्होंने SSB बोला है। अब ये जैसे PSS प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, SSS सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, और जो ये हमारा SSB है ये है सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल ब्लॉक। तो ये इन तीनों के फुल फॉर्म है। तो आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा SSB है ये सिंक्रोनाइजेशन एंड PBCH ब्लॉक, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड PBCH सिग्नल आर पैक्ड एज ए सिंगल ब्लॉक दैट ऑलवेज मूव्स टुगेदर। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और जो PBCH हमारा चैनल है ये दोनों एक साथ, मतलब आपको पैक करके सिंगल ब्लॉक में दिए जाते हैं। तो इन SSB के अंदर आपके दो चीज़ आती हैं, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, PSS, SSS और PBCH, जिसके अंदर PBCH, DMRS एंड PBCH डेटा, ये दो चीज़ आपको मिलती हैं। अभी हम इन टॉपिक्स में डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अभी ये सिर्फ स्टेप्स बताए जा रहे हैं। तो ये इसके अंदर SSB के अंदर ये दो चीज़ होती हैं, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और PBCH। अब फिर इसके अंदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने तीन स्टेप्स बोले थे, SSB, सिस्टम इन्फॉर्मेशन और रैच प्रोसीजर, तो इन तीनों को मैं टच करूंगा इस वीडियो के अंदर। अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ नए नाम इन्होंने ऐड किए हैं, ऐसे LTE में नहीं होता था। अब इन्होंने एक तो MSI बोला है, मिनिमम सिस्टम इन्फॉर्मेशन, और एक इन्होंने RMSI बोला है, रिमेनिंग मिनिमम सिस्टम इन्फॉर्मेशन, एक इन्होंने OSI बोला है, अदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो तीन तरह के सिस्टम इन्फॉर्मेशन 5G के अंदर आती है। तो लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल, तो ये BCCH, DLSCH और PDSCH, और यहाँ से आपका BCCH, BCH और PBCH। तो MIB और SIB 1 को ये बोल रहे हैं मिनिमम सिस्टम इन्फॉर्मेशन, MSI। जब भी आप MSI की बात करेंगे 5G के अंदर तो वहाँ पे MIB और SIB 1 पिक्चर में आएंगे। अगर अदर की बात करेंगे तो OSI और RMSI में खाली SIB 1 आती है, रिमेनिंग मिनिमम सिस्टम इन्फॉर्मेशन को हम SIB 1 बोलते हैं, और बाकी की जो SIB 1 के बाद SIB 2 से SIB 9 तक, उनको हम OSI, अदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, LTE के अंदर ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे इन्होंने MIB 1 और SIB 1 को MSI बोला है, और RMSI SIB 1 और OSI, अदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जो बाकी की सिस्टम इन्फॉर्मेशन है।
तो इसके अंदर इन्होंने जब ये एक्यूजिशन करते हैं, अब जैसे कि ये मिब आई हमारी, मिब एन आर जो जी नोट बी से आई, फिर सिब वन आई, ये दोनों शुरू में आ जाती हैं, जो कि हमारे, हमने क्या बोला था इसको, मिनिमम सिस्टम इंफॉर्मेशन ये शुरू में आती हैं। तो यू ई आफ्टर रीडिंग पी एस 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 विल एक्वायर मिब, आफ्टर सक्सेसफुल मिब एक्विजिशन सिब वन विल रीड, यू ई मे सेंड सिस्टम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट मैसेज फॉर फर्दर सिब इफ नीडेड। अब इसके अंदर क्या है, ये दो ही इन्फॉर्मेशन भेजेगा, अगर यू ई को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर सिस्टम इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा और ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन मैसेज जाएगा, तब उसको मिलेगी। अगर यू ई रिक्वेस्ट करता है तब उसको अदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये भी चेंज हुआ है 5G के अंदर, ऐसा LTE में नहीं होता था। तीसरा इन्होंने इसमें होता है रैच प्रोसीजर, जैसे LTE में होता था यहाँ पे भी रैच प्रोसीजर होता है। तो इसमें यू ई और जी नोट बी के बीच में अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है और उसके बाद एक स्पेसिफिक ID ऑप्टेन की जाती है जिससे कि रेडियो एक्सेस को हम कम्युनिकेट कर सकें। अब इसमें क्या है, दो चीज़ इसमें होती है, अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन यू ई एंड जी नोट बी और ऑप्टेन रिसोर्सेज फॉर मैसेज 3, जो कि RRC का मैसेज होता है उसके लिए हमारे को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं नेटवर्क से, तो वो एलोकेट किए जाते हैं। तो ये होता है हमारा सिस्टम रैच प्रोसीजर। इसको अभी हम डिटेल में नहीं घुस रहे हैं, अभी सिर्फ हमने ये बताया कि आपको इस तरह से ये तीन स्टेप्स होते हैं इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर में, SSB, सिस्टम इंफॉर्मेशन और रैच प्रोसीजर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और आई होप आपको 5G में सीखने को मिल रहा होगा और आप इंटरव्यू भी जरूर करेंगे। 30 डेज आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज ये 11वां वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।